बात तो जग जाहिर है कि प्रभास की आदि पुरुष का टीजर किसी को भी पसंद नहीं आया है। फिल्म के वीएफएक्स को लेकर मेकर्स की धज्जियां उड़ाई जा रही है, कास्ट के लुक पर भी सवाल किए जा रहे हैं, वहीं डायरेक्टर ओम राउत भी निशाने पर है। आपने ट्विटर पर अब तक कई तरह के ट्रेंड भी देख लिए होंगे, लेकिन हम आपको इधर उधर की बात ना घुमाते हुए सीधे मुद्दे की बात बताते हैं। आदि पुरुष पर लोगों का सबसे ज्यादा गुस्सा किस बात को लेकर फूटा है, हम आपको उन बड़ी वजहों के बारे में बताएंगे जिसके कारण फिल्म को बायकॉट करने की मांग उठ रही है। दोस्तों, आदि पुरुष के 1 मिनट और 46 सेकंड के टीजर में सबसे ज्यादा विवाद हनुमान के अंगवस्त्र यानी कपड़ों को लेकर हो रहा है। कहा जा रहा है कि फिल्म में भगवान हनुमान का किरदार निभाने वाले एक्टर को चमड़े के वस्त्र पहनाए गए हैं। ये देखकर मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा भड़क उठे। उन्होंने मेकर्स को चेतावनी देते हुए कहा कि इस सीन को फिल्म से हटा दें, नहीं तो वो कानूनी कार्यवाही करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आदि पुरुष में हनुमान का किरदार देवदत्त गजानन नागे निभा रहे हैं। वो मराठी फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादा एक्टिव हैं। उन्होंने कई मराठी शोज में काम किया है। वो बाजीराव मस्तानी और तानाजी जैसी फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि उन्होंने आदि पुरुष में हनुमान के रोल के साथ कितना न्याय किया है। दोस्तों, आदि पुरुष में सैफ अली खान ने रावण का किरदार निभाया है। जब लोगों ने उनका फर्स्ट लुक देखा तो सबका दिमाग खराब हो गया। आंखों में काजल और छोटे बाल में रावण बने सैफ के इस लुक को किसी ने पसंद नहीं किया। कई लोगों ने तो इसकी तुलना आतंकी खिलजी से कर दी है। लोगों का कहना है कि रावण ने भले ही बुरा कर्म किया हो, लेकिन वो सबसे बड़ा ज्ञानी था। दुनिया भर में कई जगहों पर रावण को पूजा भी जाता है, ऐसे में इस तरह से उनकी छवि दिखाना सरासर अन्याय है। वहीं दोस्तों, आपने छोटे पर्दे पर कई एक्टर्स को राम का किरदार निभाते हुए देखा होगा, जिनके चेहरे पर इतना तेज था कि देखकर ही मुंह से एक ही शब्द निकलता था, भगवान राम। आदि पुरुष में प्रभास को राम बना देख लोगों को ऐसी कोई फीलिंग नहीं आई। लोगों को इसी बात की शिकायत है कि उनके चेहरे पर भगवान राम वाला नूर है ही नहीं। दोस्तों, आदि पुरुष की सबसे ज्यादा किरकिरी इसके वीएफएक्स को लेकर भी हो रही है, जिसकी वजह से फिल्म में 500 करोड़ रुपए लगे हैं। उस हिसाब से वीएफएक्स बहुत बेकार है। लोगों का कहना है कि फिल्म का टीजर देखकर ऐसा लग रहा है कि हम लोग कोई कार्टून देख रहे हैं। दोस्तों, अभी तो सिर्फ टीजर देखकर फिल्म को लेकर बायकॉट करने की मांग उठ रही है। ओम राउत के डायरेक्शन में बनी आदि पुरुष का ट्रेलर आना अभी तो बाकी है। अब देखना यह होगा कि फिल्म का जब ट्रेलर रिलीज होगा तो लोगों को वो ट्रेलर कितना पसंद आता है या नहीं। वेल, आपको बता दें कि बाहुबली प्रभास की फिल्म आदि पुरुष 12 जनवरी 2023 को थिएटर में रिलीज होगी। आदि पुरुष के टीजर को लेकर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। जनता की आवाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।